विक्रांत, ये बैठक अभी भी चल रही है? देखिए, बिल्कुल बैठक चल रही है और यहाँ पर चारों बड़े मंत्री जो बैठक में शामिल होंगे आज सरकार की तरफ से, वो चारों मंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये बैठक काफ़ी अहम इसलिए भी समझी जा सकती है कि इसमें अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, पीयूष गोयल इस बैठक में है और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस बैठक में है। चारों मंत्री सरकार के प्रतिनिधि के रूप में इस बैठक में शामिल होंगे जो शाम को 3 बजे किसानों के साथ विज्ञान भवन में होगी और यही लोग सरकार के रुख को किसानों के सामने रखेंगे। किसानों के साथ जो भी समझौता होगा इन्हीं मंत्रियों को करना है, तो काफी अहम यह बैठक है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर यह बैठक है। बीजेपी भी एज ए पार्टी, एक पार्टी के तौर पर बीजेपी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसानों के मन में अगर इन बिलों को लेकर के कोई भ्रम है, कोई सवाल है, तो उनके जवाब उन्हें मिलने चाहिए। और बीजेपी का साफ ये कहना है, सरकार का भी ये कहना है कि बातचीत के जरिए ही मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। इस समय जेपी नड्डा के घर के बाहर आप देखिए कि तमाम मीडिया चैनल्स यहां पर पहुंचे हुए हैं, तमाम लोग रिपोर्टर्स यहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि सभी की निगाह इस किसानों के साथ होने वाली अहम बैठक पर है जो विज्ञान भवन में शाम को होनी है। और इस बैठक में सरकार अपना एक होमवर्क भी तैयार करना चाहती है कि जो किसान सवाल अगर कोई उनके मन में उठते हैं, कोई जो सवाल उठ सकते हैं बैठक में, उन सभी को लेकर के सरकार की पहले से तैयारी हो और किसानों के प्रतिनिधियों के पास से जो अभी तक फिलर्स आ रहे हैं, जिस तरीके के उनके सवाल हो सकते हैं, उन सबके जवाब होने चाहिए। तो इसी कारण से कुछ विभागों के सेक्रेटरीज को भी यहाँ पर बैठक में बुलाया गया है। सरकार की एक कोशिश है कि आंदोलन को यहीं पर समाप्त करवाया जाए, बातचीत के जरिए आगे का रास्ता निकाला जाए। और पहले भी दो दौर की बातचीत हुई थी, हालांकि वो बेनतीजा रही थी, तो आज की इस बैठक को लेकर के काफी उम्मीद सरकार को है कि आज जब बैठक होगी तो तमाम तरह की जो शंकाएं, जो सवाल हैं, उनके जवाब दिए जा सकेंगे और यह आंदोलन समाप्त होगा।